हम सब ये बात जानते हैं कि अक्षय कुमार साहब की जो फिल्म आई है गोल्ड, उसे ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। चाहे वो पहले दिन की कमाई ले लीजिए या फिर अब तक की कमाई ले लीजिए, अक्षय कुमार सर की जो फिल्म है गोल्ड, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, दिल खोल कर तारीफ कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर फिल्म ने दोस्तों हालांकि सबसे पहले दिन 25 करोड़ कमाए थे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है अक्षय कुमार साहब की फिल्मों के मुताबिक। फिर उसके बाद दोस्तों सडनली ड्रॉप हुआ था, हम सब जानते हैं रीजन क्या है, और फ्राइडे होते होते फिल्म अच्छा बिजनेस करने लग गई थी। अब बात करते हैं चौथे दिन की, यानी कि दोस्तों अपने चौथे दिन फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में कितना कमाई कर सकती है। तो जिस तरीके से ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स आ रही है, मॉर्निंग इवनिंग और नाइट की जो इनफैक्ट आफ्टरनून की भी जो रिपोर्ट्स आ रही है, वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है और आप लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अक्षय कुमार साहब की फिल्म सैटरडे को अच्छा बिजनेस करेगी। अपने चौथे दिन फिल्म आराम से कितना बिजनेस करेगी, गेस कीजिए। वेल, जो रिपोर्ट्स आई हैं दोस्तों उसके अकॉर्डिंग फिल्म आराम से 14 करोड़ बिजनेस कर सकती है, 14 करोड़ से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन 14 करोड़ से नीचे नहीं जाएगी। खिलाड़ी कुमार की ये फिल्म है जिसमें मोनी रॉय हिंदी फिल्मों में डेब्यू कर रही हैं, और उनके साथ हैं अपने अमित सर, ले लीजिए सनी कौशल की ये पहली फिल्म है, और रीमा कागती के डायरेक्शन में बनी है ये फिल्म। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अपने चौथे दिन फिल्म कितना अच्छा बिजनेस कर सकती है। वेल, ये तो रहा हमारी तरफ से प्रिडिक्शन, आपका क्या है प्रिडिक्शन ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग प्रिडिक्शन ले लीजिए, व्यूज ले लीजिए, रिव्यूज ले लीजिए। लाएगा आपका ये राहुल भोज आप लोगों के लिए गोल्ड।